जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश पुजी। दोस्तों सीआरपीएफ एचसीएम और एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी आ रखी है इसके अंदर मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सभी टॉपिक्स पे लगभग मैंने वीडियोज बना रखे हैं। तो एक टॉपिक और बार बार कमेंट आ रहा था कि सर हम कोबरा कमांडो बन सकते हैं कि एचसीएम से या स्टेनो से भर्ती हो जाएं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है 1.5 साल पहले भी इसके टॉपिक पे, लेकिन चलो मैं सोचा फिर एक नया वीडियो बना देते हैं ताकि जो लोग नए जुड़े होंगे वो भी इस टॉपिक पे जानकारी मिल जाए उनको भी। तो अगर आप सीआरपीएफ एचसीएम से भर्ती हो रहे हैं तो भर्ती होने के बाद में देखो कोबरा कमांडो जो होता है ना, किसी भी फोर्स के अंदर आप भर्ती हो रहे हैं तो कमांडो जो बनते हैं वो जिड्डी के जवान होते हैं कमांडो। आप मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के हैं, हॉस्पिटल स्टाफ के हैं, फिर ट्रेडमैन से, टेक्निकल से, डिपार्टमेंट से भर्ती हो रहे हैं जो कमांडो नहीं बनते हैं। हालांकि ये है कि आप जो कमांडो बटालियन है उसके अंदर आपकी तैनाती हो जाती है और जो कमांडो जो के जो जवान होते हैं उनको जो अलाउंसेज मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है, जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो सब आपको मिलती हैं। लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि जैसे आप भर्ती हो गए, इसके अंदर भर्ती होने के बाद जो कमांडो ड्यूटी करते हैं, जैसे जंगलों में जाके ऑपरेशन करते हैं, नक्सलियों के खिलाफ जो युद्ध लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। आप उसके अंदर पोस्टिंग हो जाएगी आपकी आराम से। कोबरा की 10 बटालियन है तो उसके अंदर भी जवानों का जो काम होता है तो उसके लिए भी एचसीएम तो चाहिए, स्टेनो भी चाहिए, क्योंकि जो एक ऑफिस को संचालन करने के लिए जरूरी नहीं है कि जो जवान ऑप्स करते हैं वो सिर्फ ऑप्स के लिए, उनके लिए सब कुछ सुविधाएं चाहिए, एडम भी चाहिए उनके लिए, ऑफिशियल वर्क भी सब जवानों का होता है। तो उसके लिए जो मेन ऑफिस होती है उसके अंदर एचसीएम भी पोस्टेड होते हैं, एएसआईएम भी पोस्टेड होते हैं, एएसआई स्टेनो भी पोस्टेड होते हैं। तो आप उसके अंदर अगर आप जाने के इच्छुक होंगे, आप जब भर्ती हो जाएंगे बिल्कुल आराम से आप जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग होती है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं होगी, आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग होगी 15-20 दिन की। उसके बाद फिर आपको अपनी ड्यूटी जो ऑफिशियल ड्यूटी होती है आपको वही ड्यूटी करनी है। उसके हालांकि आपको जो कोबरा कमांडो की जो वर्दी हो पहनने को मिलेगी, क्योंकि जो कमांडो वर्दी पहनते वर्दी आप पहन सकते हैं, लेकिन आपको ड्यूटी कमांडो की नहीं करनी पड़ेगी, ड्यूटी आपकी ऑफिशियली रहेगी। आपको जो एक कोबरा कमांडो को जो सैलरी मिलती है, जो अलाउंसेज मिलते हैं वो अलाउंसेज भी आपको मिलेंगे, और आपका जो वर्दी पहनने का सपना वो सपना भी आपका पूरा होगा। और लेकिन बस मेन यही आता है जो कमांडो के असली जो कमांडो होते हैं, जो ड्यूटी करते हैं जंगलों के अंदर 5-5 दिन 7-7 दिन का ऑपरेशन करते हैं, वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा। आपका जो वर्क रहेगा बटालियन आपकी कमांडो कोबरा की, जो कमांडो बटालियन 10 बटालियन है सीआरपीएफ के अंदर, उसके अंदर सेम आपको ऑफिशियल वर्क जो आप नॉर्मल बटालियन में करते हैं, नॉर्मल जगह पे पोस्टेड होंगे वहीं पे करेंगे, वही काम आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आपको वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन आपका जो सपना है कि मुझे मैं कमांडो बटालियन ज्वाइन करनी है, उसके अंदर जाना है, तो ये सपना आपका जरूर पूरा हो जाएगा। उसके अंदर आप बिल्कुल तैनात जा सकते हैं, 4 से 5 साल आपको ट्रेन मिलेगा, मौका मिलेगा वहां जाने के लिए। अच्छी खासी इसके अंदर कोबरा कमांडो के अंदर सैलरी मिलती है, अदर फोर्स अदर बटालियन के अंदर आप रहेंगे उसे 17,300 आपको अलाउंस से मिलता है, साथ में आपको टीपीटी मिल जाती है, तो लगभग आपकी सैलरी से 20,000 से ऊपर आपको एक्स्ट्रा सैलरी कमांडो बटालियन के अंदर मिल जाती है। तो आपकी जो नॉर्मल सैलरी है उससे 20,000 और अच्छी खासी मतलब फैसिलिटीज मिलती है कोबरा कमांडो जो बटालियन के जो रहने की सुविधाएं हैं, खाने पीने हर चीज़ से लेके मतलब टोटल चीज़ें बहुत बढ़िया एक फैसिलिटीज मिलती है, क्योंकि कमांडो की जो ड्यूटी होती है हार्ड होती है, तो जवान जब ड्यूटी करके आने के बाद में उनको अच्छी खासी फैसिलिटीज मिलती है। साथ ही अगर आप कोबरा कमांडो बटालियन ज्वाइन करते तो आपको चॉइस पोस्टिंग मिलने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि उसको हार्ड में माना जाता है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो सोच रहे हैं कि एमएचसीएम बन के कोबरा कमांडो बन जाएंगे, तो आप कमांडो नहीं बनेंगे, कमांडो बटालियन आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप बटालियन ज्वाइन करके जो आपका ऑफिशियल वर्क है उसमें आप अपना सेवा दे सकते हैं। जो जवान कमांडो जो काम कर रहे हैं, अगर उनका आप काम कर रहे हैं तो आपकी एक सेवा होगी, आप भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो जवान जंगलों में जा रहा है वो काम करके अपना ड्यूटी कर रहा है, और आने के बाद अगर आपके पास आता है कि सर मेरा ये काम है, अगर आप उसका अच्छे से काम कर देते हैं और वो खुश हो जाता है, तो ये भी आपके लिए आप कमांडो से बढ़ के हैं। तो आप जब भर्ती हो जाए इसके अंदर तो आप अपने अच्छे से काम करें, जो जवान होता है उसका काम आप करेंगे तो आपको खुद को मतलब संतुष्टि मिलेगी, जवान भी खुश होकर जाएगा, तो ऑलरेडी आप एक कमांडो बन गए, क्योंकि कमांडो का काम कर रहे तो आप कमांडो से सीनियर, तो ऑलरेडी आप कमांडो बन गए। वर्दी आपको पहनने को मिलेगी लेकिन कमांडो आप नहीं बन सकते थे, कि जो एक जीडी का जो कमांडो ड्यूटी करता है वो नहीं कर पाएंगे। तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का इसके संबंध में कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस यही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय।